Hello everyone, welcome back. First of all, please like the video, subscribe the channel and share much as you can. Thank you so much in advance for this. So welcome back in tutorial, and as I mentioned in my last videos ki main bataunga aap sabko selenium ke bare mein is course mein, but इसकी फर्स्ट वीडियो में मैं सबसे पहले आपको कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा जावा के बारे में. बेसिकली जावा क्या है, जावा हम सिलेनियम के लिए कहाँ यूज़ करते हैं. उससे पहले हमें थोड़ा बहुत बताऊंगा कि जो जावा है बेसिकली वो कैसे डाउनलोड करनी है और हमने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है. सब सॉफ्टवेयर्स और इंस्टॉलेशन जो जो हमें इस प्रोसेस के लिए चाहिए होगा इस वीडियो में मैं वो सब कुछ आपको बताऊंगा एक बार. सो स्टे ट्यून्ड गाइस एंड प्लीज लाइक वीडियो अगेन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन. सो इस वीडियो को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे. सो फर्स्ट दो पार्ट्स में जैसे कि मैंने इसको डिवाइड कर लिया, तो फर्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा कि कौन कौन से हमें सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है सिलेनियम के लिए. सो पूरा कंसल्टेशन मैं सिर्फ सिलेनियम पे रखना चाहता हूँ. मैं नहीं चाहता कि आप कम्प्लीटली जावा पे फोकस कर जाओ, सिलेनियम को भूल जाए. डोर कंप्लीट फोकस जो अपना है दोस्तों सिलेनियम पे रखो. तो अगर मैं बोल रहा हूँ सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड कौन कौन से हैं, तो सिर्फ सिलेनियम के लिए, जावा के लिए नहीं. और सॉफ्टवेयर कहाँ कहाँ से हमें मिलेंगे, सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन, जावा की इंस्टॉलेशन, इक्लिप्स इज अ सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ करेंगे जावा का कोड रन करने के लिए, उसके बारे में बताऊंगा इस वीडियो पे. और उसके बाद में बताऊंगा कि जावा का एनवायरनमेंट कैसे सेट करना है. जी हाँ, एंड आफ्टर दैट मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा कि जावा का एक बेसिक प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है हमने इक्लिप्स में, क्योंकि इन द एंड हमने इसी पे काम करना है, प्रोजेक्ट जो प्रैक्टिकली करना है. और उसमें मैं एक छोटा सा आपको हेलो वर्ल्ड इन जावा का प्रोग्राम बताऊंगा. एंड आफ्टर दैट कि इससे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जावा में कौन कौन से मेथड्स होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं. छोटी सी वीडियो रखूंगा मैं वो भी, मगर वो बताने ज़रूरी है. उससे अगर वो आपके बेसिक थोड़े बहुत क्लियर होंगे तो हम सिलेनियम पे इजीली मूव कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमें दो चीज़ें चाहिए, एक जावा और एक इक्लिप्स सिलेनियम के लिए. सो जावा डाउनलोड करना बहुत ईजी है दोस्तों. कोई भी ब्राउज़र लीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए ओरेकल जावा डाउनलोड, एंटर, जो पहला लिंक आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए. लिंक कुछ ऐसे ओपन हो जाएगा. ओके, और डिफरेंट काइंड ऑफ वर्जन्स आपको मिल जाएंगे. आई गेस मैंने कोई गलत लिंक ओपन कर लिया. हाँ जी जी सॉरी, वो फर्स्ट लिंक ओपन करना है आपने जो भी आपको यहाँ पे आएगा. जी हाँ दोस्तों, तो ये देखिए आप यहाँ पे जावा के डिफरेंट वर्जन है, जैसे जावा एसी 14. सो एसी बेसिकली स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड एडिशन. देखिए यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है जावा प्लेटफॉर्म स्टैंडर्ड एडिशन. तो आपने बेसिकली इनका JDK डाउनलोड कर लेना है. डिफरेंट वर्जन के JDK आपको मिल जाएंगे, जावा एसी 14, जावा एसी 13, अगर नीचे आएंगे जावा एसी 11. सो डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है जावा एसी 8U241. सो बेसिकली आपने JDK को डाउनलोड कर लेना है और नॉर्मल जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है उसको फॉलो करके इसको सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेना है. आफ्टर द कंप्लीटन ऑफ द इंस्टॉलेशन आप अगर, तो हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने खुद चूज करना है कि आप 32-bit डाउनलोड कर रहे हैं या 64-bit डाउनलोड कर रहे हैं. यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन होगी. लिनक्स के लिए डाउनलोड करना है, विंडो के लिए डाउनलोड करना है, मैक के लिए डाउनलोड करना है या किसी और के लिए. और विंडो के लिए अगर 64-bit करना है या 82-bit करना है. तो अब कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि हमें ये नहीं पता चलता कि हमारी जो विंडो है वो 32-bit है या 64-bit है. तो वो देखना बहुत आसान है दोस्तों. विंडोज़ पे आइए, दिस PC, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज. तो यहाँ पे आपको सिस्टम टाइप में पता लग जाएगा
कि आपकी विंडो 32 बिट है या 64 बिट है। जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कि मेरा 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसके लिए मैं 64 बिट की वीडियो की वो डाउनलोड करूँगा JDK, और अगर 32 बिट हुआ तो इसी तरह से 32 बिट की डाउनलोड करेंगे। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डाउनलोड सिर्फ आपको नॉर्मल स्टेप्स फॉलो करके यस 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 करके इंस्टॉल करना है उसको अपने सिस्टम पे। इंस्टॉल होने के बाद अगर तो वो 32 बिट है आपने डाउनलोड किया है तो वो आ जाएगा प्रोग्राम फाइल्स में, यहाँ पे जावा का फोल्डर बन जाएगा। मेरा सिस्टम क्योंकि 64 बिट है तो वो जाएगा प्रोग्राम फाइल्स में। याद रखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर 32 बिट डाउनलोड किया है वो होगा प्रोग्राम फाइल्स x86 में, नहीं तो 64 बिट होगा प्रोग्राम फाइल्स में जावा। ये देखिए, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डाउनलोड और इंस्टॉल किया हुआ है, इसको कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक कीजिए, JDK में आ जाइए और ये वाला पाथ अपना कॉपी कर लीजिए इसको इन्वायरमेंटल में डालने के लिए। राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, अब यहाँ पे आ गया एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, क्लिक कीजिए, सिस्टम वेरिएबल्स में आ गया, इसको हमने सिस्टम वेरिएबल्स में ऐड करना है। न्यू वेरिएबल के पे क्लिक कीजिए, न्यू वेरिएबल का नाम रखिए जावा होम्स, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, और वो पाथ यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ओके पे क्लिक कीजिए, ये ऐड हो जाएगा जैसे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आफ्टर दैट नीचे आइए, हाँ पाथ पे, पाथ को एडिट कीजिए, दोबारा से यहाँ पे जाइए, बिन फोल्डर को भी इंक्लूड कीजिए और जो भी बिन तक की सारी DLLs होंगी उसको कॉपी कर लीजिए। आपका पाथ बिन तक कॉपी हो गया है, इसको एडिट कीजिए, नीचे न्यू पे क्लिक कीजिए और इसको सेट कर दीजिए। ये देखिए, मैं ऑलरेडी इसको भी सेट किया हुआ है तो मैं इसको दोबारा सेट नहीं करूँगा। ओके कर दीजिए, ओके करके बाहर निकल आइए। सो बहुत सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, जावा इंस्टॉल हो चुकी है, आपकी एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट हो चुकी है। नाउ अब हमें एक और सॉफ्टवेयर चाहिए जिस पे हम जावा एग्जीक्यूट करेंगे। उससे पहले आप चेक कर लीजिए कि जावा का वेरिएबल आपके एंड पे सेट हो गया है कि नहीं हुआ है। उसको सेट करने के लिए चेक करना है बहुत ईजी है, कमांड प्रॉम्प्ट पे आइए, कुछ नहीं करना, बस जावा सी। अगर ये आपको बताता है कंपाइल करके तो इट मींस के आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट हो चुका है। देखिए जैसे यहाँ पे बता रहा है, ओके, आफ्टर दैट आपका जावा का प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमें चाहिए सॉफ्टवेयर, तो मैं ये पूरा ट्यूटोरियल जो है वो इक्लिप्स की हेल्प के साथ करूँगा। सो जिसमें मैं सिलेनियम और जावा को यूज़ करूँगा इक्लिप्स पे। सो इक्लिप्स कुछ नहीं है, बेसिकली एक IDK है, इन नॉर्मल लैंग्वेज, इन लेमैन लैंग्वेज आप ये बोल सकते हैं कि एक ऐसी जगह जहाँ पर मुझे जावा का कोड लिखना है या मुझे सिलेनियम के ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, उनके मेथड्स को कॉल करना है, वो भी बहुत इजी है दोस्तों। गूगल पे आइए, इक्लिप्स जावा डाउनलोड, जो पहला लिंक मिलता है उस पर क्लिक कर दीजिए, ओपन होगा, इक्लिप्स का कोई भी वर्जन डाउनलोड कर दीजिए। अगेन इसमें आपको ये चेक करना होगा कि विंडो 32 बिट है या 64 बिट है, उसके कंपैरेटिवली आप जाके अपना डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड कीजिए, उसके बाद अनजिप कीजिए, उसके बाद आपका ओपन हो जाएगा। राइट क्लिक कीजिए, इस आइकन पे ओपन कर लीजिए, तो बाद में आप इसको एज अ शॉर्टकट की ऐड कर सकते हैं। बेसिकली आपको eclipse.exe फाइल ओपन करनी है। सो दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगेन eclipse IDE में डिफरेंट वर्जन हो सकते हैं, तो इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सा वर्जन डाउनलोड कर रहे हैं, नियोन कर रहे हैं, ऑक्सीजन कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन चीज़ों में ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, इन चीज़ों में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, ओके? जब आप एक बार इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ओपन करेंगे, कुछ ऐसी विंडो आ जाएगी, तो यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा। राइट क्लिक कीजिए, न्यू पे जाइए, जावा प्रोजेक्ट। सो
यहाँ तक आने का मतलब है आपका जावा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, आपका एक्लिप्स इंस्टॉल हो चुका है, आपका जावा का एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। अगेन ये स्टेप्स बहुत इजी हैं, और अगर आपको इनमें कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको आपकी हेल्प कर पाऊँ इसमें। इस सेक्शन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ। जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए, प्रोजेक्ट का नाम दीजिए लाइक फर्स्ट जावा प्रोजेक्ट, फिनिश पे क्लिक कीजिए, आपका फर्स्ट जावा प्रोजेक्ट बन गया है। देखिए जब आपने जावा प्रोजेक्ट बनाएगा तो ये बाय डिफॉल्ट कुछ सिस्टम लाइब्रेरीज ऐड हो जाएंगी। ओके, ये लाइब्रेरीज ये हमें चाहिए होती हैं जावा के प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। इक्लिप्स ये फीचर देता है जावा का, तभी मैं बोल रहा हूँ इक्लिप्स फॉर जावा ही डाउनलोड कीजिए, इक्लिप्स फॉर PHP या इक्लिप्स फॉर समथिंग एल्स मत डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर जावा का इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये बेनिफिट रहेगा, ये अपने आप वो सारी लाइब्रेरीज जो भी चाहिए होती है जावा प्रोजेक्ट के लिए वो कर देगा डाउनलोड। ये आपका पैकेज है। बेसिक स्टेप के लिए राइट क्लिक कीजिए, न्यू क्लास। अब बेसिकली जावा में हर चीज़ क्लास पे बनती है, मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा क्लास क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं, मेथड्स कैसे कॉल होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स में, और ये हम सिलेनियम में कहाँ पे और कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, सो लाइक दिस इज अ फर्स्ट क्लास, क्लास का नाम देना है। इस बॉक्स को चेक कर लीजिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये एक बेसिकली मेथड है, ये भी मैं अपनी अगली वीडियो में ही कवर करूंगा कि ये मेथड क्या करता है क्या नहीं करता। फिनिश पे क्लिक कर लीजिए तो कुछ ऐसे बन जाएगा, कुछ नहीं करना। अभी आपने सिर्फ हेलो वर्ड यहाँ पे प्रिंट करना है, तो हेलो वर्ड प्रिंट करने के लिए यूज़ कीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, स्ट्रिंग में दे दीजिए हेलो वर्ल्ड। दैट्स इट दोस्तों, राइट क्लिक कीजिए, रन एज जावा एप्लीकेशन, ओके, हेलो वर्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो यहाँ तक स्टेप्स आप परफॉर्म कर लीजिए। अगर आपको यहाँ तक स्टेप परफॉर्म करने में अभी भी मैं बोल रहा हूँ कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। और ये बहुत ही इजी स्टेप है, यहाँ तक स्टेप करने का मतलब ये है कि आपने 30% जो है जावा का कर लिया है। 30% इन द सेंस ऑफ जावा का मींस जो हमें सिलेनियम के लिए चाहिए। आपको प्रोजेक्ट बनाना आ गया है, आपको आपने वहाँ पे कुछ प्रिंट करना देख लिया है, तो आपने 30% का कंसेप्ट कर लिया है जितना हमें चाहिए। अब बाकी का हमें क्या करना है, क्लासेस कैसे बनानी है, ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाने हैं और मेथड्स को उनमें क्या कैसे कॉल करना है वो मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा। प्लीज़ तब तक यहाँ पे करिए, और अगेन लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए जितना आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।